लो जी अज जारी साडी वीडियो ना जी जंतर दे उत्ते आ असि इस वार दे विच जंतर कागज करदे आ करीब कोई 3 साल तो हर साल लगातार कागज करदे आ जंतर दा कद देख लो ये मार्च के आखिरी हफ्ते तकरीबन असि कागज किया सी ये विच बारिशों का सिलसिले की वजह नाल असि विच रूटर नहीं फेर सके यानी कि बाहर नहीं सके विच ये हुण असि इहदी वहाई शुरू की है जिदा जिदा वक्त आई जांदे आ असीं वाही जाने और सारे बाग के ही असं बीज देना और एक कदों बोना चाहिए थोड़ा दिखाने देखो और करो ये तो ना थोड़ा निके निके दाने नजर आ रहे देखो देखो ये ना छोटे छोटे दाने नजर आ रहे हैं जो ये पौधा को खिंच के दे लो जो इस तरह बन जाए तो यानी कि यहाँ जो भी काम सीगा यानी जिस मकसद वास्ते कागज करते हैं वह पूरा हो जाता उदो फिर इनू रूटावेटर फेर दौ ना कि जमीन के मिक्स हो जाए तो थानू यह आपकी प्रॉपर खाद का फायदा दे और इस दफा जिदा कि घेरा ब्रांच के पानी का सिलसिला सारे पता ही है भी ना होने के बराबर ही आया वा लोगों के बहुत पौधे सुक गए ट्यूलों के पानी लोगों ने बहुत लाए आ तो वो की नुकसान की होया ट्यूल का पानी ज़्यादा लाने का पीएच बहुत बढ़ जाती है जमीन की तो ये जी जंतर की पीएच है करीब करीब 2.5 के करीब आ पीएच जमीन की बहुत घटाती है जिन्हें बागों या जमीन में ट्यूबवैल का पानी लगता खास करके उन्होंने ये बेचना बहुत जरूरी आ आपकी ना जमीन आपकी अफादियत यह कि जमीन की ना पीएच बहुत घटा और ये है कि पौद्या गर्मी नहीं महसूस होंगी पौधे ठंडे रहेंगे इन्हों जो आखिरी दफा पानी लाया से हम जो बात आने पहले असं पूरा 2 महीने तो बाद पानी लाया ना पौद्या पौद्या सेहत देख लो माशाला बड़ी प्यारी सेहत और फोटा कर रहे हैं बहुत फोटा कर रहे हैं हालांकि दिन फोड़ने इतने कोई नहीं होंगे फोड़ते दिन असल अगस्त के ही शुरू होने हैं देखो तुम माशाला बहुत सोहने पौधे खड़े हैं और ये 2.5 साल के हो गए जी पौधे यानी कि 33वें महीने के पौधे तुम देख रहे हैं इन्हों का रंग देखो इन्हों की माशाला सेहत देखो तो कीता सारा हल्ला नहीं है और अलहमदुल्ला कि असं उछर पूरा कर रहे हैं और गुजारिश आ सारे जिमीदारा देखे कि मेरा भाई ना सारे उछर है ना जो अपना वो लाजमी कटिया करो और पूरा कटिया करो जो वध नहीं ना कट सकते को मिसाल के तौर पर अगर थोड़ा 5000 उछर बनया अगर 5000 से 50 रुपये नहीं कट सकते तो 5950 भी ना कटो फिर 5000 पूरा कटो ताकि जी थी है ना हर शायद की हिफाजत होंगी रहे तो गुजारिश ही है सारे अगे कि उछर तो लाजमी दिया करो ना सारे जिमीदार ताकि फिर थोड़ी फसल है जी बेहतर रहे देख लवो जंतर का कद देख लो करीब करीब 8 से 10 फुट आ घट तो घट भी औस जी क्ढ़ी असी 8 से 10 फुट आ बहुत अच्छी शह है काश्त करनी चाहिए है। अच्छा अक्सर बंदे करते हैं कि जंतर काश्त कर लेंगे आ फिर बहुत सारे बंदे ऐसे होंगे वो कहें यार उत्तों बढ़ा दो बेच दो पैसे वट लो कल नवा फुटे आऊगा ये काम नहीं करना जोड़े बंदे काम करते हैं फिर बाद मसले आते कहें यार सा बाग उजड़ गया खत्म हो गया इन्हें तो नुकसान कर दिया जंत ने वो जंत नुकसान इसलिए करता कि जी उन्हें नाइट्रोजन थले कट्ठी की हुई होंगी है जो उन्होंने वढ़ लिया जाता जो दोबारा फोट कर देना थले नाइट्रोजन खुद ही ले लैंदा उस जमीन का बाकी के जेडे भी जिनी भी खुराक होंगी असर भी लैंदा वो मैं फायदे की बजाय उल्ट नुकसान करता जो थले डंडा रह जाता वो मजीद सख्त होकर लकड़ बन जाती है रूटावेटर कुतर तो दिता लेकिन वो लकड़ बनती है वह फिर सेंक लगन के चांस ज्यादा हो जाते हैं वो फसल का फिर नुकसान करता इस करके तो नहीं वढ़ना जे उस वढ़ा नहीं तुम काश्त करना अलहदा काश्त करो ताकि वढ़ लो बेच लो जिन्हें बाग के काश्त करना उन्होंने वढ़ो ना उन्होंने फिर वैसे कर दो।